पद्दू बचपन से ही अपने हाथ पीले करना चाहता था, टट्टी करके नहीं शादी करके। मम्मी मुझे शादी करनी है। पद्दू अभी तेरी शादी करने की उम्र नहीं है, इसलिए शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। हरामखोर फेरी कॉल के साथ चिपका हुआ है। मुझे शादी करनी है। शादी शादी, अभी मैं तुझे बताती हूँ। अरे बाप रे, और ले आ गए भैया। ये हरामखोर पद्दू अभी से ही शादी करने की जिद पकड़ के बैठ गया है। अगर अभी इसकी शादी करवा दी तो दहेज में फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगेगी। ये बात मैं उसको कैसे समझाऊं? मम्मी तुम मुझे शादी क्यों नहीं करने देती? बेटा अगर अभी तेरी शादी करा दी तो दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्यों मम्मी? क्योंकि तू बेरोजगार है, तू कोई काम धंधा करेगा तभी तो कोई लड़की वाला तुझे दहेज देगा ना। लेकिन दहेज लेना तो बुरी बात है ना मम्मी? हाँ बेटा वो तो है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी शादी करवा दो बस। ठीक है। क्या हुआ बहन, बहुत उदास लग रही हो? हम बहुत टेंशन में है भाई साहब। काहेला? पदुआ की शादी करनी है लेकिन कोई कन्या शादी के लिए राजी नहीं हो रही। एक बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा? सुनो बहन, तुम अपने पद्दू की शादी मेरी बेटी भकलोलिया से करा दो, लेकिन दहेज में मैं सिर्फ एक फोर व्हीलर ही दे सकता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, मैं अभी जाकर ये खुशखबरी पद्दू को सुनाती हूँ। पद्दू, अरे पद्दू कहाँ चला गया हरामखोर? पद्दू, पद्दू, ए पद्दू, पगलू अंकल ने अपनी भकलोलिया की शादी तुझसे करने का फैसला किया है और वो दहेज में फोर व्हीलर भी देने को तैयार है।